एक्चुअली कल ही रात को रिलीज हुआ है. डैड का मैसेज आ गया है कि कॉल करो बेटा. तो अभी उनसे पूछूंगी उनको कैसा लगा. जो प्रेस के रिव्यूज़ आए हैं वो बहुत अच्छा आया है. मैं तो यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि लोगों को पसंद आ रहा है. आज का दिन बीतेगा तो और पता चलेगा कि कैसा लग रहा है. और आई थिंक दो तीन दिन में बताऊँगी सबसे अच्छा मैसेज किसका आया. बहुत ही एक क्वर्की चीज़ लगी और मुझे इसी में मज़ा आ रहा था कि पंजाबी कैरेक्टर हैं. जब भी वो कैमरा में देख के बात करती है तो हमेशा पंजाबी चगल करती है. तो वो उसका काइंड ऑफ कैमरा उसका बेस्ट फ्रेंड है. तो ये मुझे बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात लगी. मैं पहली बार ऐसा कर रही हूँ. इंडिया में हमने फोर्थ वॉल ब्रेक करने को, मतलब कैमरा में देख के बात करने को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है. लेकिन चार्ली चोपड़ा थ्रू आउट द शो कैमरा से इंटरेक्ट करती है, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. और पंजाबी में डायलॉग्स मेरे, मैं जितनी बार भी डायलॉग्स होते थे मैं अपने डैड को कॉल करती थी, क्योंकि वो पंजाबी राइटर हैं तो उनको कॉल करके डायलॉग्स अपने सब सही करवाती थी. तो वैसे एक्सपीरियंस बहुत वेरी वेरी ग्रेटफुल. जुबली में जो सबसे ज़्यादा, एक तो मुझे उस वक्त भी यकीन नहीं हुआ था कि इतना पसंद होगा, आएगा सबको जुबली और मेरा किरदार. और जो वहाँ पे जो गाना है वो तेरे मेरे इश्क में, वो सुनिधि चौहान ने गाया है और वो इतना बड़ा हिट होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था. और चार्ली चोपड़ा में भी जो गाने हैं वो सुनिधि मैम ने गाए हैं. जो खुफिया आने वाली है उसमें भी सुनिधि मैम ने गाए हैं. मैं बहुत खुश हूँ. चार्ली चोपड़ा का जो मेन टाइटल सॉन्ग है चार्ली चोपड़ा, दैट संग बाय सुनिधि मैम, आई एम जस्ट, आई थिंक एक लकी चार्म है मेरे लिए सुनिधि चौहान.